फ्रेंड्स बेटा, आज की इस क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से पढ़ना, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में आते हैं। तो आप इसको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तब मैं इस टॉपिक में मैं फिर आगे बढ़ूंगा। टॉपिक का नाम है बेटा डाइलेक्ट्रिक। कोई आपसे पूछे कि डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, देखो डाइलेक्ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा यह जाता है कि डाइलेक्ट्रिक वो मीडियम है जिसको अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रख दें तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर लेता है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ऐसे होता क्या है, मान लो कोई भी एक मटेरियल है, कोई मीडियम है। अब आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और अगर सारे पॉजिटिव चार्जेस और सारे नेगेटिव चार्जेस अगर एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे सारे के सारे चार्जेस कंसंट्रेटेड हैं, तो हम इसे कहते हैं दिस इज द नॉन पोलर फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर मान लो इसी डाइलेक्ट्रिक को मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फील्ड में लेकर मैं चला गया, E नॉट। व्हाट इज E नॉट? E नॉट के बारे में ध्यान रखना बेटा, E नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो हम इस डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में लेकर चले गए, तो आपको अच्छे से पता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि चार्जेस जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में आते हैं तो फोर्स फील करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फोर्स फील करेगा और नेगेटिव चार्ज जानते हो ना, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। तो इससे क्या होगा, चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट का मतलब समझते हो, पॉजिटिव इधर शिफ्ट कर गया, नेगेटिव इधर शिफ्ट कर गया, तो अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई। क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई, ये जो आप ये देख रहे हो, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक की है। इसे कहेंगे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और इस फिनोमेना को पहले वो कौन से फॉर्म में था डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर फॉर्म में। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, चार्जेस सेपरेट हो गए, मतलब एक डाइपोल फॉर्म आ गया। इस फिनोमेना को कहेंगे कि देखो भैया, डाइलेक्ट्रिक पहले नॉन पोलर फॉर्म में था, अब डाइलेक्ट्रिक कौन से फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में आ गया। यस, पोलर फॉर्म में आ गया, प्लस माइनस चार्जेस अलग हो गए। और इस फिनोमेना को, किस फिनोमेना को, जिसमें डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हुआ, जब हमने इस पूरे डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रखा, जिससे डाइलेक्ट्रिक ने एक अपनी फील्ड बना ली, चार्जेस सेपरेट हो गए। इस फिनोमेना को इन्होंने कहा दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इन्होंने क्या कहा इसका नाम, इन्होंने कहा ये जो फिनोमेना है इसे कहा उन्होंने पोलराइजेशन। तो व्हाट इज पोलराइजेशन, जिसमें एक डायलेक्ट्रिक नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डायलेक्ट्रिक अपनी एक्सटर्नल फील्ड बना लेता है। और ये एक्सटर्नल फील्ड, एक बात ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल फील्ड जो बनी, सॉरी, डायलेक्ट्रिक ने जो अपनी फील्ड बनाई वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाई। एक्सटर्नल फील्ड इधर था, डायलेक्ट्रिक ने अपनी फील्ड इधर बनाया, क्यों, प्लस इधर शिफ्ट किया, माइनस इधर शिफ्ट करेगा, प्लस से माइनस। तो ये एक बात और याद रखना कि जो डायलेक्ट्रिक अपनी फील्ड बनाता है, अपनी फील्ड बनाता है यानी पोलराइज होने के बाद जो अपनी फील्ड तैयार करता है, उस फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो अब जो नेट फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई, क्योंकि पहले यहां पर तो सिर्फ ई नॉट था, पोलराइज होने के बाद एक नई फील्ड बन गई, तो इस पूरे रीजन में जो नेट फील्ड हो गया वो ई नॉट माइनस ई। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पोलराइजेशन होने के बाद जो ओवरऑल वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो पहले से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, तो उसका जवाब दे देना, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि पोलराइजेशन होने के बाद डाइलेक्ट्रिक जो अपनी फील्ड तैयार करता है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करता है। और हर डायलेक्ट्रिक का एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा, तो भी याद रखना, हर डायलेक्ट्रिक का एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और इसके निकालने का फॉर्मूला है E नॉट बाई E। याद रखना इस बात को, डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है E नॉट बाई E, इसको कभी नहीं भूलना। दिस इज कॉल्ड द
डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक फॉर्मूला इज ई नॉट बाई ई, तो कभी नहीं भूलना बेटा, दिस इज कॉल्ड द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ये पॉइंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से यहां तक इसको भूलना. तो क्या बताया गया, समझ में आ गया, फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन. कौन सा फिनोमेना कहता है पोलराइजेशन, बताओ किस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, जिस फिनोमेना में कोई भी डायलेक्ट्रिक अपनी फील्ड तैयार कर लेता है. कब, जब हम इसे एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रखते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन. और पहले डायलेक्ट्रिक किस फॉर्म में था, पहले डायलेक्ट्रिक किस फॉर्म में था, नॉन पोलर फॉर्म में, अपनी फील्ड बना दी, ये इसकी अपनी फील्ड है ई. और पोलराइजेशन होने के बाद ये डायलेक्ट्रिक जो फील्ड बनाएगा वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, इसीलिए कहते हैं पोलराइजेशन होने के बाद वहां पे ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से कम हो जाती है. और हर डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसे के से इंडिकेट करते हैं. वो कैसे निकालते हैं बेटा, ई नॉट बाय ई. हर डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ई नॉट मतलब एक्सटर्नल फील्ड, ई मतलब डायलेक्ट्रिक ने जो अपनी फील्ड बनाई वो. अब जब इतना समझ गए हो तो एक बात और समझना है, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. अब आपसे कोई पूछे कि भाई एक बात बताओ, व्हाट इज डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, किसे कहते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, आप ध्यान से सुनो, इसे कहते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. तो ये कहा गया, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा जो हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते थे, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, ये जो हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते थे, बाहरी फील्ड जो अप्लाई करते हैं कहां से, फ्रॉम आउटसाइड, अब हम ये जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए, बहुत स्ट्रांग फील्ड अप्लाई हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, ये चार्जेस बहुत ज्यादा सेपरेट हो जाते हैं. डायपोल बनने के, जो प्लस माइनस अलग हो गया तो डायपोल फॉर्म आ गया, डायपोल की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको कहते हैं डायलेक्ट्रिक क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया. हम क्या कहेंगे कि डायलेक्ट्रिक में क्या आ गया बेटा, ब्रेकडाउन आ गया. तो हर डायलेक्ट्रिक की एक कैपेसिटी होती है कि भाई, कैपेसिटी का मतलब ये हुआ, हर डायलेक्ट्रिक की एक कैपेसिटी होती है कि इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर बाहर से अप्लाई कर दें तो इसमें ब्रेकडाउन आ जाएगा. तो वो जो हर डायलेक्ट्रिक की अपनी कैपेसिटी होती है कि कितना एक्सटर्नल फील्ड उस पे अप्लाई किया जाए ताकि प्रॉपरली वो पोलराइज हो जाए और इसमें ब्रेकडाउन भी ना आए, उसे कहते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो याद रखना डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है. तो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, जब एक्सटर्नल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग अप्लाई की जाती है तो ये चार्जेस बहुत ज्यादा सेपरेट हो जाते हैं, डायपोल फॉर्म में बनने के बाद लेंथ बढ़ जाती है, उसे कहते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि इस पे कितना बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाए, ये कितना अप्लाई किया जाए ताकि इसमें ब्रेकडाउन ना आ जाए और प्रॉपरली ये पोलराइज भी हो जाए, तो उसे डायलेक्ट्रिक की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं. तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये जो बाहर से अप्लाई करते हैं यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ताकि इसमें ब्रेकडाउन भी ना हो और प्रॉपर पोलराइज भी हो जाए. तो ये है डायलेक्ट्रिक, इसको कहते हैं डायलेक्ट्रिक. ऐसे कोई भी मटेरियल हो गए जो हमने पढ़ाया जिसमें ये सब प्रॉपर्टी आई पाई जाएगी, दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक. तो जब आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो डायलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह में ये काम आएगा. एक बात याद रखना जो आगे काम आएगा, डायलेक्ट्रिक पोलराइज होने के बाद अपनी फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है, एक तो ये याद रखना, और दूसरी बात ये याद रखना कि डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है ई नॉट बाई ई. ये दो चार चीज याद रखना, इस पे ही आगे काम आएगा. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बेटा, आज बहुत छोटी वीडियो बनाई है आपके लिए, जस्ट डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है. नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय.